तो जी दिस इज़ हाउ आवर स्टेयरिंग विल लुक लाइक फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसे कामों में ऐसा होता है। सोचा मैंने ये है क्यों ना गाड़ी का हम कलर चेंज कर दें। वेलकम बैक टू अनदर अनएक्सपेक्टेड व्लॉग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज आपके भाई का व्लॉग करने का मूड बिल्कुल भी नहीं था। मूड कैसे बने, नीचे आके गाड़ी की है स्टार्ट और रिमोट एयर सस्पेंशन का यूज़ किया है। किधर गया भाई रिमोट, किधर गया बोस? भाई ऐ छोटे भरा ने मेरे इंजन ही किया इंजन पे, एयर नहीं चल रही। मैं क्या क्या मतलब एयर नहीं चल रही, ये कैसे हो सकता है? देखें अभी भी नहीं, गाड़ी ऊपर नीचे नहीं हो रही। तो थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चलता है कि ग्लासेस लिए थे बोस, नथिया गली से बोस, खैर है। तो थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला है कि भाईजान ये पाइप फट गया है यहाँ से। ये पाइप है बेसिकली जो टैंक के अंदर से हवा लेके जाता है चारों मॉड्यूल्स के अंदर, और चारों मॉड्यूल से फिर गाड़ी के चारों बलून्स के तरफ, चारों शॉक्स की तरफ जो है वो एयर ट्रांसफ़र करती है और गाड़ी ऊपर होती है। अब ये भाईजान फट चुके हैं और इसको अब हमने गिव मी 5 मिनट्स एंड आई विल फिगर दिस आउट एंड देन वी विल डू दिस। तो आई हैव टू फिक्स इट ऑन माय ओन, और एट लीस्ट आई नीड टू ट्राई इट। और इस पाइप को फिक्स करने के लिए हमें चाहिए दो चीज़ें। एक हमें मिल गई है 13 की चाबी, और दूसरा हमें चाहिए ब्लेड जिससे कट करके हम पाइप दोबारा अंदर लगाएंगे। तो यू नो कार गाय ट्राइंग टू फिक्स हिज कार ऑन हिज ओन, क्योंकि यहाँ से गाड़ी वर्कशॉप तो जा नहीं सकती, तो यू नो खुद फिक्स करते हैं। लेट्स डू इट। तो एज यू कैन सी ये फटा है भाईजान, ये ठीक है। यहाँ से 13 की चाबी लाओ, चलो भाई खुल जाए पाइप के अंदर, हवा तो ऑलरेडी नहीं है। चलो भाई आ जा, जा। पाइप जो के गॉन एंड नाउ टाइम टू कट इट एंड पुट बैक अगेन। जी ये बाहर नहीं आ रहा, एक ही चंद है। एडा सोना मैं तैयार हो के घरों निकलिया सी के बाहर जानी है, क्रूज कर रही है, कुछ खाने पीने है। ए देखो की हाल हो गए, ओ आ जा तेरी मेहरबानी, आ जा बाहर यार, की चने है मेनू चैन नहीं होता, इन्हू फिर कटो इतों इंज। द ब्लेड इज़ वेरी फास्ट, इसी ब्लेड ने हमें पहले खून के आंसू रुलाया हुआ है। एक दफ़ा हमने अपनी उंगल वाड ली थी एक दफ़ा, सी इफ़ यू कैन सी, आई डोंट नो इफ यू कैन सी। चल यार आ जा बाहर प्लीज़, बिस्ती ना करा यार। न्यू कार गाय फिक्सिंग इज कार, फिक्सिंग इज सस्पेंशन। ओके सॉरी गाइज, सम टाइम आई अब्यूज अनइंटेंशनली, बट यू डोंट, वी शुड नॉट अब्यूज, यू नो। नाउ व्हाट वी डू, कि हमें देखना है कि ये वाला जो कट है ना ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट। अगर ये स्ट्रेट नहीं होगा तो ये यहाँ से लीकेज करेगा। हार्डवर्क पेज ऑफ हार्डवर्क। मुंडे की सैलरी आई हुई दिखा कि नहीं यार भाई, छोटे ब्रदर की पहली सैलरी माशाल्लाह। हैप्पीनेस ब्रो, हैप्पीनेस। अपने पैसे जब इंसान कमाना शुरू कर देना तो जितना आपको खुद पे फख्र होता है ना, शायद ही कभी जिंदगी में किसी और चीज़ पे होगा। क्या बात है। सो अपने पैसे कमाएं, हुन कमेंट करोगे उसे फसलीमी साहब फ्रीचरान सिंह सिखा दियो, तुझे सानू बड़ी देर दा टोपी कराई है। सिखाएंगे यार सिखाएंगे, जिस टाइम नहीं मिल रहा अभी। ये जनाब निकला है अंदर, आज पुत्र खुआना है तो मैंने कुछ। यो ब्रो आप हुक्म करें, इधर आओ पहले है न्यू कार गाय दी कार सही खड़ाओ। ओ यार ये तो इजी था। 13 की चाबी अगेन, चलाओ जरा मुनीम साहब बिस्मिल्लाह पढ़ के गाड़ी दी सेल्फ मारो। चलो ओके हो गया, हुन वो ते एक बटन है वो दबा जा के अंदर, एनु दबा दे। हां बॉस इट्स नॉट वर्किंग, नादरीन फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया। एज यू कैन सी हमारी गेज भी नहीं चल रही, और हमारा चार्जर जो ऊपर लगा हुआ है वो भी नहीं चल रहा।
भाई जान थैंक्स टू मुजम्मिल भाई फ्रॉम कारीगर रेस्टो मोड्स, जिन्होंने कि हमारी गाड़ी कर दी है, मतलब उसकी एयर चला दी है। ओए होए होए, लुक एट दिस यार, लुक एट दिस, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये भी इसके बारे में भी, इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। पहले टैंक हमारा हो चुका है फुल 200 PSI, 200 190 पे वो ब्लिंक कर रहा है। तो अगर तो लीकेज होती तो इसने कम करनी शुरू कर देनी थी हवा, बट क्योंकि लीकेज नहीं है। मुजम्मल भाई से हमें एक और काम है, और वो काम ये है कि हमारा जो स्टीयरिंग है वो भी कंप्लीट नहीं है। इंटीरियर की कुछ बातें हैं जो भी मैंने डिस्कस करनी है, क्योंकि शायद इस ग्रे को हम कर दें चेंज ब्लैक के अंदर। तो लेट्स डिस्कस इट, एंड अभी पहले चलते हैं जाके स्टीयरिंग खुलवाते हैं। एंड वी आर हियर एट कारीगर रेस्टो मोड्स वंस अगेन, टाइम टू ओपन द स्टीयरिंग अगेन। बॉस गाड़ी एक मिनट स्टार्ट कर दें, इसने बैटरी लो कर देनी है। ये फुल हो जाए ना फिर बंद हो जाए। बस इसको कराना चाहिए स्टिच या नहीं? तो कहता हूँ 12 वोल्ट लगाते हैं इसको, एक इधर एक इधर। यार क्या चेक करते हैं। चेक, अल्लाह ना करे कभी नौबत आए। नहीं बाहर ही तो ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, कपड़ा लगे जाए तो खैर है, हो जाएगा डिप्लॉय कल को, अल्लाह ना करे जरूरत पड़ी तो। देख रहे हो? हाँ। डिप्लॉय होने के लिए ना यहाँ से जगह जो है ना अंदर से काटी हुई रहती है, अगर जब डिप्लॉय होना हो तो यहाँ से खुले, देख रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये सारी जगह है फटने की, डिपेंड करता है कपड़ा कौन सा लगाते हो। अल्कंटारा लेदर, टेंसाइल स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी उसकी। ठीक हो, यानी देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ के अल्कंटारा यानी खुल जाएगा। है नहीं पता यार, वो खुलेगा या तुम खुल जाओगे। अभी काम रहना सी, तो गाड़ी नीचे होती है तो लगे हाथ, मेरे ख्याल से ये भी किरा ही लें अब निकले हैं तो। दिस इज़ हाउ आवर स्टीयरिंग विल लुक लाइक फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसे कामों में ऐसा होता है, ये करना पड़ता है। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा ना तब तक चस नहीं आएगी। तो सोचा ये है कि जब ये फोर्ज्ड है इधर, ये भी फोर्ज हो तो ऑब्वियसली वो फिर मज़ा आएगा, और जो साइडों वाले हैं वो भी फोर्ज्ड हों, जो कि ये होते हैं आपके मल्टी मीडिया ट्रिम्स, तो ये सारे फोर्ज होंगे तो ये मज़ा कराएगा। वरना अंदर अगर ये जो टेक्सचर आपको एयरबैग का टेक्सचर टोटा देती है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कैसा है, गंदा सा। हाँ अगर सारा स्टीयरिंग ऐसा हो, सेम हो, फिर तो वो नो डाउट प्यारा लगता है, बट ऐसे अब ये गंदा लग रहा है, तो इसलिए हम इसको भी पूरा कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं जी अपने इंटीरियर की। तो जो हमने ग्रे पार्ट वाला डिसीजन लिया था वो बहुत गुड डिसीजन था, मुझे वो बहुत पसंद आया। अगर आपको मैं ये दिखा पाऊँ तो इट लुक्स वेरी मिनिमल और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। जब गाड़ी सारी ब्लैक हो, सारी ब्लैक के साथ सीटों के साथ अंदर ग्रे पार्ट आपको नजर आ रहा हो, लाइट सा कलर, तो वो बहुत प्यारा कम्बिनेशन है। जैसे गाड़ी के बाहर हमारा कम्बिनेशन है ग्रे का और ब्लैक का, तो वो चीज़ में कामयाब मैं हो गया, वो चीज़ बहुत अच्छी रही। हम आके फंसे हैं अपने फोर्ज कार्बन फाइबर में। ये जो आपको येलोइश या थोड़ा सा ग्रीन या येलो शेड एक नज़र आ रही है ना इसके अंदर, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, ये नो डाउट बहुत प्यारी चीज़ है। लेकिन जो ग्रे के साथ इसका एक कॉम्प्लीमेंट बनता है ना, वो ये नहीं कर रही, ठीक है। अक्सर लोगों ने कमेंट इस बारे में किया था, तो यस आई एग्री कि प्रॉपर पूरा कॉम्प्लीमेंट ये गाड़ी को नहीं कर रहा। फोर्ज्ड और ग्रे, ग्रे खूबसूरत लग रहा है अगर उसको सिर्फ ग्रे को देखें, और अगर सिर्फ फोर्ज को देखें तो वो भी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन आपस में वो थोड़े से ना लड़ पड़े हैं, ये इशू हुआ है। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमें या तो फोर्ज को कार्बन में करना पड़ेगा या फिर ग्रे पार्ट को ब्लैक करना पड़ेगा। तो इजी पार्ट हमारे लिए है कि ये जो ग्रे हमने किए हैं इसी तरह हम इनको ब्लैक में चेंज कर देंगे थोड़े से अरसे के बाद, जब तक हमारी ये जो चीज़ें हैं ये ट्रिम्स वगैरह हो के रेडी होके आती हैं तब तक हम इनको कर लेंगे दोबारा ब्लैक में चेंज। ये मैंने अभी तक सोचा है, लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। ये ब्लैक अब दिखने को रात वाली शेड में बहुत खूबसूरत लग रहा है, यानी ये बहुत प्यारा है। बाहर जब आप गाड़ी की बात करते हो ना, एक ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट की, ओवरऑल गाड़ी की लुक एंड फील की, कि बाहर से गाड़ी ग्रे है, जैसे आप डोर ओपन करते हो सामने आपको एक ग्रे का पीस नज़र आता है तो वो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन फोर्ज के साथ वो पूरा नहीं बैठ रहा। तो फोर्ज को उठाने के लिए हमें गाड़ी अंदर से सारी ब्लैक करनी पड़ेगी। ये है सर जो मेरे माइंड में चीज़ थी जो मैं करना चाह रहा था, लेकिन ऑटो शो आ गया था इसकी वजह से हम इसको बात आपसे नहीं कर सके। लेकिन बाकी ओवरऑल अब देखें ना इधर छत के ऊपर, ये यार असल में ना ये कैमरे में एक तो ये पूरा पकड़ता नहीं जो असल में चीज़ ये लग रही है, बहुत खूबसूरत लगता है। ये जो स्पेशली चीज़ है ना, ये जो पूरा पैनल है ये तो कमाल कर गया। तो अब ये ग्रे खोना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। हाँ जी यार चेक करो, नहीं चलानी पैनी गाड़ी है, मतलब कि मर्जी है यार, है मतलब कि यार नसीब ही नहीं हो रही गाड़ी पूरी कंप्लीट चलानी।
कोई हारन नहीं, गाड़ी का हारन भी नहीं चल रहा उस्ताद जी। वो केबल जो होती है ना, वो जो एक हारन वाली, वो भी उतर गई है साथ। चलो हारन तो बगैर आवाज मार निकलनी। ओ भरायो ए पी 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 पी। गाड़ी के रैप का अगर आपको मैं थोड़ा सा अंदाजा कराऊं तो तकरीबन एक साल दो महीने गुजरने के बाद इसके हालात हो रहे हैं ये। तो ये उसके बाद This, तो ये चीज़ें इसके साथ अब चल रही हैं। बम्पर इज ऑल सेट गुड अंदर से भी बस ठीक है। तो जी जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि वी आर ऑलमोस्ट देयर टू हिट 100K सब्सक्राइबर। सिल्वर बटन आएगा। बड़ी देर तो दिली ख्वाहिश थी कि सिल्वर प्ले बटन चाहिए। वी आर फाइनली देयर, ऑलमोस्ट देयर। जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे जब हो जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल सोचा मैंने ये है कि ना क्यों ना गाड़ी का हम कलर चेंज कर दें। कैसा आइडिया है? इंटीरियर को भी हम ऐसे चलने देते हैं और कुछ देर बाद हम इसको कन्वर्ट कर देंगे ब्लैक में। तो इसके साथ मैंने ये सोचा है कि नार्डो ग्रे हमने चलाते हुए हमें बहुत टाइम हो गया है। एक साल दो महीने इस कलर को हुए हो गए हैं, यानी 14 महीने से ये कलर चल रहा है, ये रैप चल रहा है। और अभी भी अगर आप गाड़ी को खड़ा हुआ देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि रैप कहीं से खराब है। जब आप उसके पास जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, डिटेल्स में जाके गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, अब ना कहीं कहीं से क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं, तो कहीं कहीं से खराब होना शुरू हो गया है। तो फिर भी बहुत अच्छा रैप गुजरा है। एक साल गुजारना रैप में बड़ी बात होती है। मैंने गाड़ी चलाई भी बहुत ज्यादा, ये नहीं कि बस रैप कर दी और खड़ी कर दी गाड़ी घर में, ऐसा नहीं हुआ। बहुत चलाई है गाड़ी। ये कलर ऐसा कलर है कि यार इससे आप कभी बोर नहीं हो सकते। नार्डो ग्रे एक ऐसा रंग है कि भाई जान ये आपको थकने नहीं देगा, ये आपको डिसेंट मिनिमल लुक भी देगा गाड़ी को। और साथ ही साथ जैसे ही लाइट जरा कम होती है रात के टाइम, बहुत अग्रेसिव लगती है गाड़ी इसमें, तो आपकी सारे काम ये पूरा करता रैप। बट मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा एक दफा चेंज किया जाए। मैं दोबारा शायद दोबारा नार्डो पे आ जाऊंगा, लेकिन एक नया कलर ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। 100K भी हुए तो 100K की खुशी में हम गाड़ी का रैप कर देंगे चेंज। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। अगर तो आपको आइडिया अच्छा लगा है तो यू कैन कमेंट बिलो अबाउट द न्यू रैप आइडिया। और एक और मजे की बात ये है कि पूरा ट्रियो सोच रहा है इस टाइम गाड़ी का रंग बदलने का। ठीक है, एक आइडिया हमारे माइंड में ये आया कि तीनों गाड़ियों को हम सेम कर दें। शायद हम उस पर इम्प्लीमेंट भी कर दें अगर तीनों गाड़ियों के लिए कोई ऐसा कलर मिल गया। क्योंकि अक्सर कलर, अब जो नार्डो ग्रे कलर है ग्रैंडी पे तो बहुत सूट करता है, लेकिन मार्क एक्स और अगर रिवर्स पे आप इसको करेंगे तो भाईजान नहीं, बहुत ही बोरिंग लगेगा। तो इसलिए एक ऐसा कलर चूज करना जो तीनों गाड़ियों पे प्रॉपर उठे भी और अच्छा भी लगे और यूनिक भी हो, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके बारे में सोचा जा रहा है। आपकी राय कमेंट्स में इजहार कर दें, ठीक है, उसको पढ़ेंगे और देखेंगे शायद हमें कोई ऐसी शेड मिल जाए। आई होप यू आर इंजॉइंग दीज व्लॉग्स एंड पता नहीं मैं कब क्विट कर जाऊं, ठीक है, इसलिए मेरे नाल ताल्लुक अच्छा रखो, प्यार पूछे पाते रहो मेरे नाल, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें और नौवें भाई को याद रखें और अल्लाह हाफिज। सी यू इन द नेक्स्ट वन। एक और चीज़, ये जो हमारी बत्तियों के ऊपर ये लगते हैं, उस दिन हमने ज़रा अच्छी तरह साफ़ किए थे, तो इसको फिट करते हैं। कैमरा बड़ो भाई जान ज़रा इतना और गुड। सॉरी गाइस। सॉरी गाइस, आई नीड टू फिगर इट आउट। All good. This looks amazing. This looks good. और सबसे मेरा फेवरेट है जी जनाब ये। ओए होए होए होए, खूबसूरत।